सॉरी मन नहीं, आ आ डैश शरीफ दिल का हुआ तो या मरियम। माशाल्लाह एक्सेलेंट, क्या ट्रांसलेशन हुआ उसका? ए मरियम क्या आपने पिया है इसको क्या कहें कॉफी? अब आप मरियम बन जाओ, जवाब दे जी हाँ मैंने पिया है, कैसे कहेंगे? नाम शरीफ तो। और अगर जिस तरह हमारे भाई कहते हैं अजीज़ रहमान, इसके बहुत तरीके आंसर करने के, अगर आप कहना चाहें जी हाँ मैंने पिया है उसको, तो कैसे कहेंगे? नाम नाम शरीफ तो हाँ। एक्सेलेंट माशाल्लाह एक्सेलेंट, शरीफ तो हाँ। हाँ क्यों कहा इन्होंने? कि कॉफ़ी मोनस होती है, अलकाहवा ता ता मोनस की निशानी है। ठीक, नेक्स्ट सलमा, सलमान, सलमान की तो बारी हो नहीं गई, सलमान की बारी। अच्छा फिर आ गई। अच्छा जी सर मेरी हो गई है, आप तो कर लूँ मैं, लेकिन वो हम अच्छा नेक्स्ट समीना गुल, नेक्स्ट समीना फिर आ जाए, समीना गुल इसमें आ जाएगा। जुमलाई डैश अलमौज व अना डैश अल इनबा, समीना गुल मौजूद, मौजूद है जी जी बताइए। जुमलाई यानी मेरे कोलीग्स, उन्होंने ये मौज कहते हैं केले को, तो केले को क्या खाया, तो अकला होता है खाना, तो अब मेरे जो मेरे कोलीग्स हैं, एक से ज़्यादा है ना, जुमलाई मेरे कोलीग्स ने, तो बहुत सारों ने खाया, एक होता तो अकला होता, बहुत सारे हैं तो क्या होगा? अकलू अलमौजा। ठीक, वा आना सर, इनाबा का क्या मतलब है? अंगूर ग्रेप्स। वा आना अकल तो, माशाल्लाह अकल तो, अकल तो इनाबा। हाँ इतना इंतजार करेंगे तो अंगूर ही भाग जाएगा, है ना? अकल तो, अकल तो एनाबा, तो मैंने खाया अंगूर। ठीक हो गया, नमाज के लिए ब्रेक अगर हाँ, हाँ नमाज के लिए ब्रेक अगर कर लें हम, तो कर लें ब्रेक, अभी 7:03 हुए हैं, अभी तो 5 मिनट 7:15 बजे है ना, कितने बजे आज? चल आखिरी कर, लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक। डैश फातिमा तू बिनतहा बिल आसा, क्या हुआ फातिमा के साथ? यानी फातिमा ने मारा अपनी बेटी को बिल आसा, कितनी जालिम है फातिमा। जरा बत फातिमा तू बिनतहा बिल आसा, तो अगर मैं कहना चाहूँ नहीं मारा फातिमा ने, फिर कैसे कहेंगे? माँ जरा बत, माँ जरा बत फातिमा तू, फातिमा तू जी जी सर, यहाँ पे आप फातिमा तू देखे, हमारा फाइल है ना जी, तो जी क्योंकि ये फीमेल फाइल है, हाँ तो जी, हमने फिर जरा ती क्यों नहीं कहा, उसको जरा बत क्यों कहा? देखिए जब हमारे साथ फाइल लिखा, अच्छा बता, ज़रबती तब होगा जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जब फातिमा से गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर या फातिमा होता तो आप कहती ज़रबती या फातिमा। ठीक है, अब आप फातिमा के बारे में, यहाँ पर फ़र्ज़ किया अगर फातिमा की जगह मोहम्मद होता तो फिर आप क्या लिखती? ज़राबा। याद रखें कि जब आप बेसिक फेल को लिखती हैं, उसने कुछ किया, उसके साथ मोहम्मद या उस्मान या एक आ रहा है, और अगर ये खातून है जैनब है या फातिमा, तो ज़राबत आएगा, यही तो डिफरेंस है ज़राबा और ज़राबत में। ज़रबती तब होगा जब आप उससे बात कर रहे हैं, आप अगर आप कहना चाहती हैं कि आपने मारा, तो फिर आप कहेंगे ज़रबती ज़रबती अल क्या था वो अलहैया, हैया था या मरियम, जब आप उसी से बात करेंगे तब ज़रबती आएगा, ये ज़रबता आएगा। जब भी ज़रबती तब होगा जब या तो हमारे जी जी
जब जब या होगा या अंडरस्टूड होगा कि आप उससे बात कर रहे हैं। सिवाय हाजर और सिवाय गायब अगर रखते हाँ, ये गायब हो गया ना कि ये उस ये वाला मोहम्मद जाराबा मोहम्मद जाराबत ज़ैनब। तो अभी हम ब्रेक करते हैं, तो इंशाल्लाह देन वी विल बी बैक एट 7:50 कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा सर, जी जी, एक छोटी सी आप मेरे लिए कर लें, टेंथ जो हमने किया था ना, टेंथ। हेलो जी जी, ये नंबर टेंथ में आप अनकलमी वाला किन्नी वाला बा वजद तहू का एनालिसिस करते मेरे लिए, सिर्फ जो लास्ट पोर्शन है इसका एनालिसिस कर। हमने कहा मा वजद तू, मा वजद तुहु। अच्छा, इसमें हम कहेंगे माँ हर्फ नफी है, इसको साइड पे कर देंगे। वजह वजद तु, वजद फेल है, तू फाइल है, और हु मफूल भी ही है। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, जज़ाकअल्लाह खैर। वी ब्रेकिंग फॉर मगरिब एंड वी विल बी बैक एट 7:50 PM इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सब लोग अपने अफ्तारी कर लें रोजे की। अल्लाह ताला मैं अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो। अच्छा, एक्चुअली मुझे तो बताया था कि वो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, वो मंगवा, उन्होंने क्या बताया आपको, मुझे बताइए कि जो एनिमल्स लेकर, कुछ नहीं बताया उन्होंने आप? नहीं एक्चुअली हम तो जी जी बताइए। अच्छा एक्चुअली ऐसा नहीं, फिर मैं खुद चेक करता हूँ कि भाई, बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि ही वॉज अरेंजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग इट देन आई विल डू इट, मतलब नो प्रॉब्लम। मुझे तो हमें उससे आप रीचेक करें कि भाई अगर तो कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि अपेरेंटली ही वॉज सपोज टू अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। मुझे आई डो नॉट नो इफ इट हैज़ चेंज्ड। मुझे भी री चेक करके बता दें, क्योंकि उसकी बात हुई थी डायरेक्ट उसके साथ जो जहाँ से आने हैं, तो जो भी बात है मुझे बता दें, अगर नहीं है, है इधर भी मुझे बता दीजिए। ठीक, ओके ओके जी, थैंक यू।